चुनावी प्रचार यहां पर कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री ने कहा, सहयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, पड़ोसी देश दुश्मन देश में जिसे कहा जाता है पाकिस्तान, उसका रेफरेंस देते हुए पीएम मोदी ने ये बड़ा बयान गुजरात के आणंद में दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं और शहजादे को यहाँ प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से उतावला नजर आ रहा है। गुजरात के आणंद में पीएम मोदी पहुंचे थे और कह रहे थे, संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है और उधर पाकिस्तान है जो कि रो रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं के जरिए इस तरह के बयान दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के नाम लिए और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि शहजादे को पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब देखिए, ये संयोग है, जब यहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है और उधर पाकिस्तान के जो नेता हैं उन्हें बड़ी फिक्र है, वो बड़े फिक्रमंद हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और जिस तरीके से बयान दिया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पर रिएक्ट जरूर करेगी। कांग्रेस के रिएक्शन पर भी नजरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात के आणंद से, पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार में बिजी हैं, जुटे हुए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात के आणंद में पहुंचे तो उन्होंने कहा पाकिस्तान उधर रो रहा है, इधर कांग्रेस कमजोर हो रही है। अंदाजा आप लगाइए और संयोग देखिए ये किस तरीके के हालात हैं। इधर भारत में कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रही है, लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है और उधर पाकिस्तानी नेता जो हैं वो कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि शहजादे को, यानी कि सीधे सीधे राहुल गांधी की तरफ उनका इशारा था और कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये दुआ कर रहा है, पाकिस्तानी नेता ये दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पर शहजादे को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है और ये कहा है कि हालात जो हैं वो बेहतर हैं देश के और लगातार देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत एक बार फिर से है। फवाद चौधरी ने दरअसल राहुल गांधी की तारीफ की है और उसी खबर के रेफरेंस में पीएम मोदी ने बयान गुजरात के आणंद में दिया। फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट किया। फवाद चौधरी ने लिखा, राहुल इज ऑन फायर। पाकिस्तान की एंट्री पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए कि भला पाकिस्तान इस तरीके से तारीफ कैसे कर सकता है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ में है, बीजेपी कह रही है पाकिस्तान की बात कांग्रेस के साथ हो रही है। पीएम को हटाने के लिए मणिशंकर पाकिस्तान गए थे, यह आरोप भी लगाया है बीजेपी ने और साथ ही कहा कि हाफिज सईद ने कांग्रेस पसंदीदा पार्टी बताई है। हाफिज सईद ने कांग्रेस को पसंदीदा पार्टी बताया और मणिशंकर पाकिस्तान गए थे ताकि बीजेपी की सरकार चली जाए, ताकि पीएम मोदी को पद से हटाया जा सके। ये तमाम तरह की स्ट्रैटेजी करने का आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगा दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है कांग्रेस का हाथ। ये आरोप लग रहे हैं, ये खबरें लगातार तूल पकड़ रही हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी भाषण में इस बात का जिक्र किया और कहा कि संयोग आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस अपना जनाधार खो रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है और पाकिस्तानी नेता जो हैं वो शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावले हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फवाद चौधरी ने इस तरीके का पोस्ट किया और ये कहा राहुल इज ऑन फायर। राहुल गांधी के बयान का, राहुल गांधी के एटीट्यूड का उन्होंने जिक्र करते हुए ये कहा कि तमाम सोशल मीडिया ऐसे हैं जहां पर राहुल पूरे फॉर्म में चल रहे हैं, राहुल गांधी इज ऑन फायर। ये पोस्ट जो एक तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी की तारीफ करते हुए फवाद चौधरी ने लिखा है और उसी को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और कह रही है कि ये पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ नजर आता है और वहां के नेता तो बड़े उतावले हैं कि शहजादे को पीएम बनाया जाए। पीएम मोदी ने इस बात को बोलते हुए अपना चुनावी भाषण पूरा किया और ये कहा कि शहजादे को, यानी कि राहुल गांधी को, पड़ोसी देश के नेता पीएम बनाना चाहते हैं। हाफिज सईद ने कांग्रेस को पसंदीदा पार्टी कहा था, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और ये कह रही है इसी तरीके से तो कांग्रेस का हाथ वहाँ पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी इसीलिए तो कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण वाली पोस्ट को शेयर किया था फवाद चौधरी ने और जब समर्थन किया, जब तारीफ की उनके भाषण की, तो फिर
बीजेपी ने इसी बात को लेकर आड़े हाथों कांग्रेस को राहुल गांधी को ले लिया है। बीजेपी जाहिर सी बात है इसे मुद्दा बनाएगी। पड़ोसी देश है पाकिस्तान, लेकिन दुश्मन देश भी है पाकिस्तान। ऐसे में बीजेपी हो गई है हमलावर और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। साथ ही ये आरोप भी लगा दिया कि मणिशंकर पाकिस्तान इसीलिए गए थे ताकि बीजेपी की सरकार को गिराया जा सके, ताकि मोदी को पीएम पद से हटाया जा सके। साथ ही ये भी कह दिया कि हाफिज सईद जैसे आतंकी जो हैं वो कांग्रेस को पसंदीदा पार्टी कहते हैं। तो उससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि कैसे कांग्रेस की साठगांठ पाकिस्तान के साथ में है। अब इन आरोपों के बीच में क्या असर आम जनता पर होता है इस तरीके के आरोपों का, इस तरीके के बयानों का, ये जनता बेहतर डिसाइड करेगी। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है उसमें ये कि बीजेपी ने अपने चुनावी मुद्दों में एक और नया और ताज़ा मुद्दा ऐड कर लिया है, वो ये कि फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ सोशल मीडिया पर कर दी है। फवाद चौधरी के इस पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा मौजूद है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। इस पोस्ट को रीपोस्ट किया है फवाद चौधरी ने। आगे बढ़ते हैं, खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। चिराग